हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो आपका 6th चैप्टर है पहले उसको करेंगे, क्योंकि जिसकी ज़्यादा प्रेफरेंस होगी उसी हिसाब से हम चैप्टर्स को करेंगे। तो ये जो लाइफ प्रोसेसेस का चैप्टर है, इसमें से कई क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है, इसलिए पहले हम जो 6th चैप्टर है उसके जो क्वेश्चन हैं उनको एक बार देखेंगे। और जो इसके MCQs हैं, पहला MCQ है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहपोषी जीवों के लिए सही नहीं है। सहपोषी आपको पता है, सहपोषी होते हैं ऑटोट्रॉप्स, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और जो हिटरोट्रॉप्स होते हैं, वो आपको पता है अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वो पौधों के ऊपर या जो ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, आपको पता है। तो इसमें हमसे जो बात पूछी है कि ऑटोट्रॉप्स के बारे में कौन सी सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास कि जो है ऑटोट्रॉप्स हैं वे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल के से तथा सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कर लेते हैं। तो आपको पता है ये काम तो जो है पौधे करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं जब उनको CO2 और वाटर और जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड, जो अपना भोजन है वो खुद बना लेते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में भंडारित रखते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। जो मानव होते हैं उनमें ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ग्लाइकोजन। और जो पौधे हैं उनमें स्टार्च की फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट है उसको भंडारित किया जाता है। थर्ड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आपको पता है सनलाइट की आवश्यकता होती है ऑटोट्रॉप्स को अपना भोजन बनाने के लिए। तो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा इसमें जो है गलत है, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, जीवों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही पचाकर उनका अवशोषण कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका जो 11 तारीख का एग्जाम था, जो मॉर्निंग शिफ्ट वाला था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। उसमें 4 ऑप्शंस दे रखे थे, एक और ऑप्शन था उसमें अमरबेल, और पूछ रखा था इनमें से जो क्वेश्चन सेम एज इट इज क्वेश्चन था, और पूछा था कि कौन से जो इनमें से है जो अपने जीव है जो खाद्य पदार्थों को अपने शरीर के बाहर ही अवशोषण नहीं करता या उनको पचाता नहीं है। ये क्वेश्चन तो इसमें जो हमारा जो ग्रुप है वो यीस्ट, मशरूम और ब्रेड की जो फफूंद है वो अपने शरीर के बाहर ही, आपको पता है यीस्ट और जो मशरूम है और जो ब्रेड की फफूंद है, मशरूम का आपको पता होगा जो गले सड़े पदार्थ उनके ऊपर उगती है, जो जिसको हम मशरूम को आपने देखा भी होगा जो गले सड़े पदार्थों के ऊपर मार्केट में अवेलेबल होती है मशरूम, जिससे हम सब्जी भी बनाते हैं। तो जो मशरूम है, जो ब्रेड की फफूंद है, जो ब्रेड के ऊपर जो स्पोर्स बना लेते हैं, वो भी शरीर के बाहर ही अपने जो खाद्य पदार्थ हैं उनको पचा कर उनका अवशोषण करते हैं, लेकिन जो अमरबेल है वो ऐसा नहीं करती है। तो ये उस दिन क्वेश्चन आया हुआ था जो अमरबेल, तो उसमें जो राइट आंसर था कि अमरबेल ऐसा काम नहीं करती, क्योंकि अमरबेल है वो एक पादप है और वो अपना भोजन जो होस्ट है उससे लेता है, ये पैरासाइट है, परजीवी है अमरबेल। लेकिन जो ये 3 जो ऑप्शन हैं बाकी, ये अपने शरीर के बाहर ही जो है खाद्य पदार्थ को पचाकर उसका अवशोषण करते हैं, तो बी है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते, सही जो हमें कथन है वो चुनना है। तो पहला ऑप्शन है वही हमारा तो सही है, लेकिन फिर भी हमें जो ऑप्शन हैं वो सभी पढ़ने चाहिए, थोड़ी जल्दी है इसलिए आपको जो आंसर हैं केवल वही करवा देता हूँ। तो आपको पता है जो हिटरोट्रॉप्स हैं वो अपने भोजन का जो संश्लेषण है वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते। आपको पता है हम हैं जैसे मानव है, हम पौधों से और जीव जंतु हैं उनसे अपने जो भोजन है वो पदार्थ प्राप्त करते हैं, हम अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, वो एक अलग बात है। जैसे हम खाना बनाते हैं वो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन वो आया कहाँ से वो हम नहीं बना सकते। इसके बाद नेक्स्ट है, मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही प्रक्रम कौन सा है। तो इसमें हमें सेट करना है कि जो कौन सा जो ऑप्शन है वो इनमें से सही होगा। तो पहले आपको पता है हमारे माउथ, उसके बाद जो हमारी भोजन नली है, उसके बाद पेट, उसके बाद छोटी आंत और उसके बाद बड़ी आंत में भोजन इस प्रकार से, और बाद में जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है जो पैसा भोजन है। तो जो डी ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि लार में लार एंजाइम की कमी हो तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर जो अमाइलेज जो एंजाइम रिलीज करते हैं, जो स्लेवरी ग्लैंड्स है हमारी, उनमें अगर स्लेवरी जो अमाइलेज जो एंजाइम है उसकी कमी हो जाएगी तो इनमें से कौन सी घटना प्रभावित होगी। प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में विघटित होना, स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना। तो जो हमारा आंसर है, आपको पता है स्टार्च है उसका पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, स्टार्च का जो स्लेवरी अमाइलेज जो एंजाइम है इसके ऊपर वर्क करता है, और स्टार्च का जो है शुगर्स में तोड़ देता है जो स्टार्च को। तो
तो ये हमारे मुंह में ही काम ये शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे जो माउथ है हमारा, उसमें जो सलाइवरी एमाइलेज जो एंजाइम है सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। लेकिन अगर ये इसकी कमी हो जाएगी तो इस काम में इसकी जो घटना है वो प्रभावित होगी। नेक्स्ट है, अमाशय का स्तर निम्न में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है। तो हमारा जो पेट है उसमें जो सेकंड ऑप्शन है हमारा श्लेष्मा, वो है इसमें राइट आंसर। तो आपको पता है जो हमारा जो पेट है उसके अंदर, हमारे पेट के अंदर जो HCl है वो रिलीज होती है। तो आपको पता है जो एसिड की प्रकृति होती है ज्वलनशील होती है, मतलब कि वो जला देती है। लेकिन हमारे जो पेट के अंदर है तो किस प्रकार से हमारा जो अमाशय है उसकी जो लेयर है वो किस प्रकार से सुरक्षित रहती है, तो एक म्यूकस लेयर होती है जिसके कारण एक ऐसी परत होती है जिससे हमारे जो अमाशय है हमारे पेट के अंदर जो HCl का कोई भी नुकसान नहीं होता। नेक्स्ट है, इसमें भी वो आंसर हो जाएगा आपका, जो म्यूकस लेयर है उसके कारण। नेक्स्ट है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त जो पित्तरस है वो प्राप्त करता है। तो जो आपको पता है जो सिक्रीशन होती है जो बाइल की वो कौन करता है, आपको पता है लीवर करता है, लेकिन उसकी स्टोरेज होती है गाल ब्लैडर में। तो जो पित्तरस है उसको प्राप्त कौन करता है हमारे शरीर में, तो आपको पता है जो पित्तरस है जब भोजन अमाशय से हमारे पेट से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है उस टाइम ये सिक्रीशन उसके अंदर ऐड की जाती है भोजन को ज़्यादा अच्छी तरह से पकाने के जो पचाने की जो प्रोसेस है उसको पूरा करने के लिए। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई, चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया, इससे पता चलता है कि चावल में कि जो चावल का पानी है उसमें क्या चीज़ है। तो इसमें जो आपको पता है चावल में जो है वसा तो हो नहीं सकती, वसा तो जो तैलीय पदार्थ होते हैं उनमें होती है, तो इसमें प्रोटीन्स भी जो है चावल्स के अंदर नहीं होती, जो कार्बोहाइड्रेट हैं ज़्यादातर वो पाए जाते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन ऊपर वाले कट हो जाएंगे, हमारा जो राइट आंसर होगा वो है स्टार्च। नेक्स्ट है, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पचता है। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो बृहदान्त्र जो बड़ी आंत है उनको ये लगता है कि उसमें जो लास्ट में जब भोजन आता है तो उसी में पाचन की प्रक्रिया पूरी होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारी छोटी आंत है उसका नाम ही छोटी आंत है, ये काफ़ी लंबी होती है। तो जो छोटी आंत है उसी में हमारे भोजन का जो है पाचन वो पूर्ण होता है, यहाँ पर जो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। जो हमारी बड़ी आंत का जो मेन कार्य वो है कि वो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन और जो मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर के काम आ सकते हैं उनका अवशोषण कर लेती है लास्ट में, उनको हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलने देती, ये जो मेन फंक्शन है वो बड़ी आंत का। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है, अग्नाशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है, जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस है उसका मेन कार्य क्या है। तो जो हमारा मेन कार्य है ट्रिप्सिन प्रोटीनों को पचा देना और लाइपेज पायसीभूत वसाओं को, ये जो लाइपेज की जो फैट्स हैं और जो ट्रिप्सिन प्रोटीन्स हैं इनको पचाने में जो काम करता है वो कौन करता है, पैनक्रियाटिक जूस, डी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चूने के पानी में भरी प्रकनली जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूध या हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो CO2 की जो प्रेजेंस होती है उसके अंदर, आपको पता है जो चूने का पानी पहले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, तो इसमें किसकी इसी की मौजूदगी के कारण जो है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो CO2 की प्रेजेंस की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट है, यीस्ट में अवायवीय अभिक्रियाओं का सही परक्रम कौन सा है। तो आपको पता है जो अवायवीय है मतलब कि हम इंग्लिश में बोलते हैं जिसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन या ऑक्सीजन की अब्सेंस में, जो ऑक्सीजन है उसकी अनुपस्थिति में जो श्वसन का काम होता है उसको बोलते हैं अवायवीय अभिक्रिया। तो जो यीस्ट है जो खमीर है उसमें कौन सी प्रोसेस होती है, तो ग्लूकोज है साइटोप्लाज्म और उसके बाद पाइरूवेट, उसके बाद दोबारा साइटोप्लाज्म और बाद में आपको पता है, ये तो आपको पता ही होगा कि जो अल्कोहल के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है यीस्ट, हमने 7th क्लास में पढ़ा था। तो ये दो तो जो चीज़ें हैं ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएंगी, जो लैक्टिक एसिड वाले हैं ये। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो इसमें डी ऑप्शन है कि जो CO2 और इथेनॉल लास्ट में बनता है, तो लेकिन जो ऊपर था उसमें माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ था पहले ऑप्शन में, तो हमारा डी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वायवीय श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है।
वायव्य मतलब है एरोबिक, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी जो ग्लूकोज है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म से फिर जो एनर्जी और जो पाइरूवेट रिलीज होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया से उसके बाद हमारे जो CO2 है, वाटर है, और जो एनर्जी हमें मिलती है। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये होती है दोस्तों जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर। तो जो रेस्पिरेशन है उसके दौरान जो ये चार जो स्टेटमेंट हैं दोस्तों, इनमें से हमें जो सही कौन सी हैं वो हमें बतानी है। तो अंतःश्वसन के दौरान पसलियां भीतर की तरफ चली जाती हैं और डायफ्राम ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं उस टाइम की बात हो रही है, तो ये गलत बात है। सेकंड है, कूपिकाओं के भीतर गैसों का विनिमय होता है, अर्थात कूपिकाओं की वायु की ऑक्सीजन विसरित होकर रुधिर में पहुंच जाती है। ये कूपिका बोलते हैं दोस्तों एल्विलाई को, एल्विलाई जो हमारे लंग्स में मौजूद होती हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारी जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में किस प्रकार से जाती है उसकी ये हमें बात कर रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो ऑक्सीजन का विसरण होता है जो ब्लड में एल्विलाइज के थ्रू। और इसके बाद थर्ड है, वो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति अधिक बंद होता है। तो ये तो गलत बात है, ऑक्सीजन के प्रति ज़्यादा है और CO2 के प्रति कम है। डी ऑप्शन है, एल्विलाई के कारण गैसों के विनिमय के अधिक सतही क्षेत्रफल उपलब्ध हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो एल्विलाइज है वो ज़्यादा हमें सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाती हैं जो गैसों का एक्सचेंज है उसके करने के लिए। तो जो हमारा सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन है, वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अंतःश्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं उस टाइम की ये बात हो रही है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमें जब बताना है सांस किस प्रकार से, जो अलग अलग स्टेडीज हैं, कौन से ऑर्गन में पहले जाता है उसके बाद कौन जाता है, तो जो सबसे पहले हमारे नोस्ट्रिल जो नासों से प्रवेश करता है, उसके बाद लैरिंग्स, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद जो सांस नली है उसके अंदर, और जो फिर लास्ट में हमारे जो एल्विलाइज हैं उनके अंदर जो है ऑक्सीजन पहुँच जाती है। तो डी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है। तो ये मैंने आपको बताया था, जो फेफड़ों के अंदर जो एल्विलाइज हैं, लंग्स के अंदर जो एल्विलाई होती हैं उनके अंदर ये काम होता है, ये ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाती हैं। तो सी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट है, हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ये दोस्तों जब आप ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे उस टाइम अगर आपने पूरा जो टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो ही आपको ये बात समझ में आएगी, नहीं तो आपको बहुत कम चांसेस हैं। तो इसमें जो आपको बिल्कुल सही ऑप्शन है वही मैं आपको बता देता हूँ कि जो सही कौन से इनमें। तो जो सेकंड और जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर है कि जो बायां नील है ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है, जबकि दायां नील भी ऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़ों में पंप कर देता है। तो इसके लिए आपको दोस्तों पहले तो नीले वेंट्रिकल को बोलते हैं नीले, और आलिन बोलते हैं ओरिकल्स को। तो जो लेफ्ट हमारा जो वेंट्रिकल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो शरीर के विभिन्न भाग हैं उनमें पंप करता है। उसके बाद जो राइट हमारा वेंट्रिकल है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको फेफड़ों में भेज देता है, जहाँ से वो ऑक्सीजन प्राप्त करता है। तो ये फंक्शनिंग जो सेकेंड ऑप्शन वाली है ये सही है। और जो फोर्थ है दायां नीलिंद आलिंद, आलिंद ओरिकल को बोलते हैं, जो राइट ओरिकल है शरीर के विभिन्न भागों में वी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है। जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हमारा जो राइट ओरिकल है, वेंट्रिकल्स और ओरिकल्स जो ये होते हैं दो ओरिकल दो वेंट्रिकल, तो जो राइट ओरिकल है उसमें जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है, जबकि जो बायां जो नीले है जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है। तो ये दोस्तों अगर हम चैप्टर करवाएंगे तो उस टाइम आपको बिल्कुल अच्छे से करवाने की कोशिश करेंगे। ये भी तो हम इसके जो आंसर्स हैं केवल वही कर लेते हैं। तो इसमें जो थर्ड पार्ट है सी ऑप्शन है, सेकंड और फोर्थ जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि संकुचन के दौरान जो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकती है। तो जो बैक फ्लो है ब्लड का उसको कौन रोकता है। बैक फ्लो अगर होगा तो हमारे शरीर में आपको पता है दोनों जो ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है
दोनों का मिल जाएंगे वो, और उनको अलग अलग हम रख पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जो हमारे हार्ट है उसमें कुछ वॉल्व हैं, वाल होते हैं जैसे ये कोई आर्टरी है, इसके अंदर इस टाइप से वाल होते हैं, तो ब्लड है वो इधर तो जा सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता, वापस आएगा तो ये वाल बंद हो जाएगा, इस टाइप से बंद हो जाएगा ये वाल, ये दोनों जो हैं ये इधर आ जाएंगे, दोनों सीधे हो जाएंगे और ये वाल बंद हो जाएगा, तो बैक फ्लो नहीं कर सकता ब्लड। तो इसको कौन रोकता है? तो जो हृदय के भीतर जो कपाट हैं, जो वाल्व हैं, वो ये काम करते हैं। नेक्स्ट है एकल परिसंचरण, अर्थात शरीर में होकर एक चक्कर के दौरान रुधिर का हृदय में होकर केवल एक बार प्रवाहित होना, निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो जो हमारा शरीर है दोस्तों, आपको पता है दो बार जो है ब्लड जो हमारे हार्ट से होकर गुजरता है, लेकिन जो कई जो हैं जो प्राणी हैं उनमें डायरेक्टली ब्लड सिंगल सर्कुलेशन होता है, मतलब कि लंग्स में प्योरिकेशन के बाद बॉडी के पार्ट्स में डायरेक्टली ही वो पंप कर दिया जाता है। तो उन्हीं के बारे में जो हैं चार जो ऑप्शंस हैं, उन जो कौन सा सेट है उनमें ऐसा होता है, तो आपको पता है जो मछलियां होती हैं उनमें होता है। तो इसमें आपको पता है जो हिप्पोकैम्पस, कई बार वैसे भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो समुद्री घोड़ा इसको बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस को बोलते हैं, ये डायरेक्टली इंग्लिश में नाम दिया हुआ है, हिंदी में भी तो समुद्री घोड़ा बोलते हैं, वो एक मछली ही होता है। इसमें भी इसी प्रकार का काम होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, और जो एक्सोसिटस उरेनावेस है दोनों में, तीनों में यही जो है सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कशेरुकी समूहों में हृदय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता। तो जो कशेरुकी बोलते हैं दोस्तों कॉर्डेट्स को, कॉर्डेट्स आपको पता होगा, कॉर्डेट्स अलग है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। तो आपको पता है जो मैंने आपको अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही बात बताई थी कि जो कई जो हैं ऑर्गेनिजम्स उनमें डायरेक्टली ब्लड हार्ट जो है पंप नहीं करता, लंग्स से डायरेक्टली प्योरिफिकेशन होने के बाद वो शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। तो ऐसा मछलियां हैं, ऊपर मैंने आपको बताया भी था कि जो मछलियां उनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, और पीसीज जो आपको दे रखा है फोर्थ जो ऑप्शन है, पीसीज मछलियों को ही जो समूह है जैसे आर्थ्रोपोडा है, अलग अलग जो समूह हैं जो फाइलम्स हैं जिसमें कीट आते हैं आर्थ्रोपोडा में, पाइसिस में मछली आती हैं, एव्स में पक्षी आते हैं, मैमल्स में आदमी हैं, और जो है सतनधारी वो आते हैं, इस प्रकार के जो समूह है तो पाइसिस बोलते हैं मछलियों वाले समूह को, इनमें ऐसा होता है। नेक्स्ट है धमनियों का वर्णन करने के लिए सही कथन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन से पहले मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, धमनियाँ और जो आपकी सिराएँ हैं, जो आर्टरीज और जो आपकी वेन्स हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है, मेन डिफरेंस क्या होता है। तो जो हम हमारे शरीर में जो हाथों में आपको जो उभरी हुई जो नलिकाएँ, जो सिराएँ दिख रही हैं, जो हरे कलर की आपको लगती हैं, लाइट ग्रीन कलर जो हम देख सकते हैं हमारे हाथों में, पैरों में आपको दिखाई दे जाएंगी, लेकिन जो आर्टरीज होती हैं, जो धमनियाँ होती हैं, वो डीप सीटेड होती हैं, जिनके अंदर से प्योर ब्लड ट्रेवल करता है, जिनमें शुद्ध जो रक्त होता है वो होता है, और जो ये आपकी सिराएँ होती हैं, जो नसें आपको दिखाई देती हैं, इनमें अशुद्ध रक्त होता है, ये वापस लेकर जाती हैं, जो अशुद्ध ब्लड होता है उसको ये वापस लेकर जाती हैं। तो इसमें जो फंक्शन, जो मेन जो फ़र्क होता है कि जो धमनियाँ होती हैं उनमें प्रेशर ज़्यादा होता है, इनकी जो बीच का जो ल्यूमेन है, ये जो बीच का, जैसे आपने पता होगा कोई एक तो कोई पाइप लें आप, पतला पाइप होगा उसमें प्रेशर से ज़्यादा पानी आएगा, और अगर कोई मोटा पाइप होगा तो उसमें प्रेशर कम होगा। तो धमनियाँ होती हैं इनमें प्रेशर ज़्यादा होता है, ये शरीर में जो अंदरूनी होती हैं मतलब कि डीप सीटेड होती हैं, और जो सिराएँ हैं वो हम देख सकते हैं, जो इनमें ब्लड जो इम्प्योर ब्लड होता है वो होता है। तो इसमें वर्णन पूछ रहा है, ये धमनियों का जो आर्टरीज बोलते हैं उनका वर्णन पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा है वो सही होगा। तो जो धमनियाँ हैं इनके बारे में जो डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि इनकी भित्तियाँ मोटी होती हैं एवं प्रत्यास्थ होती हैं, इनमें रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है, और ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। तो ये मैंने आपको दोनों तीनों बातें ही बता दी हैं कि इनकी जो बाहर की जो लेयर है वो मोटी होती है, पतली होती है ये, तो इसलिए इनमें जो प्रेशर होता है वो हाई प्रेशर होता है, और ये जो प्योर ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको शरीर के विभिन्न जो भाग हैं उन तक लेकर ये जाती हैं। तो डी ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है वृक्कों की निसंदेह इकाइयों कहते हैं, जो फंक्शन
यूनिट है वृक्क जो किडनी को कहते हैं, तो आपको पता है कौन सी है, ये क्वेश्चन कई बार आपने पढ़ लिया होगा। तो जो डी है नेफ्रॉन जिसको बोलते हैं, नेफ्रॉन है जो कार्यात्मक जो इकाई है एक किडनी की। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, तो जो आपको पता है जल है उसी से, जो H2O से उसको ब्रेक डाउन करके जो पौधे भोजन बनाते हैं उसी से हमें जो ऑक्सीजन है वो प्राप्त होती है। नेक्स्ट है उत्कों से बाहर आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होगी, तो आपको पता है उत्तक जो टिश्यूज हैं उनसे जो बाहर आ रहा है जो ब्लड वो इम्प्योर ब्लड होगा, तो और उसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें तो ऑक्सीजन होती है लेकिन जो बाहर आ रहा है उसमें क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जीव समय के साथ वृद्धि करते हैं, जीवों को अपने शरीर में होने वाले टूट फूट की मरम्मत करते रहना चाहिए तथा उसे अपनी संरचना को बनाए रखना चाहिए, कोशिकाओं में अणुओं की गति नहीं होती है, ऊर्जा जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। तो जो ये जो है सी ऑप्शन आपको दिख रहा है ये गलत है। आपको पता है मैंने जो कल हमने चैप्टर किया था एटम्स वाला, कभी भी जो है अणु जो स्थिर नहीं होते गति करते रहते हैं वो, तो ये ऑप्शन सही नहीं है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है सवपोषी में निश्चित रहने वाली आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है, जो सवपोषी होते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, तो ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जो पौधे होते हैं उनमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है और जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो मानव है उसमें जो पशु होते हैं उनमें ये स्टोर होता है। नेक्स्ट है कौन से समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाएगा, तो दोस्तों आपको पता है जो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है उसमें एक तो ग्लूकोज बनता है, एक जो ऑक्सीजन हमें मिलती है वो बनती है, तो आप देख लीजिए इनमें कौन सा जो ऑप्शन है उसमें सही है, तो क्लोरोफिल तो होना ही है, तो दो ऑप्शन तो ये हो गए जो ऊपर वाले, तो ये तो कट हो गए हमारे, हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं क्योंकि ऊपर वालों में क्लोरोफिल नहीं था ना सूर्य का प्रकाश था लेकिन क्लोरोफिल नहीं था, तो दो ऑप्शन ऊपर वाले हमने कट कर दिए। इसके बाद दो ऑप्शन बचते हैं इनमें एक और ऑप्शन को कट क्यों कर देंगे हम, क्योंकि इसमें जो आप देख रहे हैं CO2 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन है वो राइट होगा क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया उसमें ऑक्सीजन का उत्पादन होता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट है उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है, नहीं होती है वो हमसे पूछा है, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन, उपचयन और अपचयन के बारे में मैंने आपको सुबह भी बताया था। उपचयन दोस्तों ऑक्सीडेशन को बोलते हैं और अपचयन बोलते हैं रिडक्शन को, ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण है उसमें ऑक्सीजन बनती है ना कि CO2, तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि हमारे को इसने कार्बन का ऑक्सीडेशन दे रखा है, इसने कह रखा है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है, ये नहीं होता है इस प्रकार का। नेक्स्ट है पौधों में रंध्रों का खुलना तथा बंद होना निर्भर करता है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल, जो गार्ड सेल्स हैं उनके अंदर जो वाटर की जो मौजूदगी है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। इससे रिलेटेड जो कई क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं दोस्तों मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, जो स्टोमेटा होते हैं जिनको रंध्र बोलते हैं उनमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है वो होता है वाष्पीकरण बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, वो भी जो प्रोसेस है जल जो पौधे रिलीज करते हैं वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है जो पत्ते की निचली स्तर पर ज़्यादातर पाई जाती हैं। नेक्स्ट है अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता है कि जो पौधे हैं नाइट्रेट की फॉर्म में जो है जो नाइट्रोजन जो फिक्सेशन करते हैं कुछ बैक्टीरिया उसके बाद ये नाइट्रेट की फॉर्म में पौधे लेते हैं, यूरिया को भी एक्सेप्ट करते हैं, तो प्रोटीन्स और जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको नहीं लेते हैं पौधे, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो नाइट्रेट और यूरिया वो है सही बी ऑप्शन। नेक्स्ट है पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है, तो आपको पता है जो हमारे मुख के अंदर जब हम भोजन खाते हैं तो वहाँ पर जो लार ग्रंथियाँ मौजूद होती हैं वो एक एंजाइम रिलीज करती हैं जिसका नाम है स्लेवरी अमाइलेज जिसका नाम है, या आपको पुरानी जो बुक्स हैं उनमें टाइलिन मिल सकता है, टाइलिन आपको मिल सकता है,
लेकिन इसमें हमें जो नए वाला नाम है वही दिया हुआ है। तो स्लेवरी एमाइलेज जो एंजाइम है सबसे पहले हमारे भोजन में मिलता है, जो स्टार्च का पाचन करता है, शुगर बना देता है, हमारे मुख में ही जो भोजन का पाचन जो प्रक्रिया शुरू कर देता है, तो ये काम कौन करता है? स्लेवरी एमाइलेज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये जो चार ऑप्शंस हैं आपको दिए हुए हैं, इनमें से कौन से जो कथन हैं वो सही हैं। तो जो पहला कथन है, पाइरूवेट को यीस्ट की सहायता से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। वायवीय जीवाणुओं में किण्वन होता है, तो वायवीय जो है एरोबिक जो है बैक्टीरिया उनमें फर्मेंटेशन होता है, ये बात बोल रहा है, ये फर्मेंटेशन वाली बात गलत है। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें होता है फर्मेंटेशन, ये भी गलत है। किण्वन अवायवीय श्वसन का ही एक रूप है, हाँ ये बात सही है कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है, अवायवीय जिसको हम बोलते हैं अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो पहली और जो चौथी स्टेटमेंट है वो इसमें सही है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट खिलाड़ियों की पेशियों में प्राय खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा होता है? तो ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछा जाता है दोस्तों, एक एग्जाम में आ चुका है जो सेवन्थ क्लास की बुक थी उसमें से क्वेश्चन उठाया था कि जो हमारी एक काफ़ी भारी जो हम व्यायाम कर लेते हैं तो हमारे शरीर में कौन सी एसिड बन जाती है हमारी मांसपेशियों में, तो वही क्वेश्चन है ये कि जो लैक्टिक एसिड है वो हमारी मांसपेशियों में बन जाती है, पाइरूवेट का लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाना। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग चुनिए, जो हमारा यूरिन है उसका हमें सही जो ऑप्शन है वो बताना है, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा किडनीज, मूत्रानलियाँ, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। किडनीज जो यूरिनरी जो वेन्स हैं जो और जो ब्लैडर है यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद थर्ड में यूरेट्रस बोलते हैं मूत्र नलियाँ, और जो लास्ट है मूत्र मार्ग जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं, सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानवों में उत्कों में ऑक्सीजन की कमी के कारण पाइरूवेट अम्ल किस कोशिकाओं के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? तो आपको पता है जो साइटोप्लाज्म है कोशिका जो द्रव है उसमें ये काम होता है, साइटोप्लाज्म में, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आपके जो 35 क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और भी वीडियोज़ आपको जल्द ही प्रोवाइड करवाई जाएंगी, तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने साथियों को बताइए हमारे चैनल के बारे में, और वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर ही शेयर करें। थैंक यू।